हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अविनाश। वेलकम टू लर्निंग फैक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नए संसद भवन की। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है और इसी लोकतंत्र की गतिविधियों को चलाने के लिए भारत की संसद कार्य करती है। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बना एक सदन है। संसद के माध्यम से ही आम लोगों को अभिव्यक्ति मिलती है। मौजूदा संसद भवन इस बात का प्रमाण है कि यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र के कार्यों को बड़े ही सुयोग्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से करती है। लेकिन अब यही मौजूदा संसद भवन देश का इतिहास बनने जा रही है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। बहरहाल आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जब मौजूदा संसद भवन है तो नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल मौजूदा भवन में जगह की कमी महसूस होने लगी थी। मौजूदा भवन ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था, जिसे बने हुए 93 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन साल दर साल बढ़ते कामकाज और संसदीय काम को देखते हुए यह भवन जरूरत के हिसाब से छोटा होने लगा। मौजूदा बिल्डिंग की कई समस्याएं हैं, जिस वजह से इसमें आधुनिक बदलाव नहीं किए जा सकते। मौजूदा बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों की कमी है, जैसे आधुनिक तकनीक, आगजनी से सुरक्षा, भूकंप रोधी जैसे सुरक्षा मानकों की कमी है, क्योंकि इसके निर्माण के समय दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में आता था, अब दिल्ली सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आता है। साथ ही आगे के भविष्य में सांसदों की सीटों में बढ़ोतरी होनी है, जिनके बैठने की उचित व्यवस्था मौजूदा भवन में नहीं है। अभी सांसदों की संख्या सन 2026 तक के लिए स्थिर है, लेकिन 2026 के बाद सांसदों की सीटों में बढ़ोतरी होना तय है। संसद के कई सदस्यों ने भी मॉडर्न हाईटेक तकनीक से युक्त बिल्डिंग बनाने की इच्छा जाहिर की थी। इसीलिए वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसके वास्तुकार विमल पटेल है। इसका डिजाइन एचसीपी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने। यह भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 39.6 मीटर है, तो यह भवन 4 मंजिला है। इसके लोकसभा कक्ष में 888 व राज्यसभा कक्ष में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा कक्ष में संयुक्त बैठक की व्यवस्था 1272 की गई है। संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार है, जिनमें से मुख्य 3 हैं, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार व कर्म द्वार है, जिनसे होकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कर्मचारी अंदर जा सकेंगे। नए भवन के लोकसभा कक्ष में सेनगोल को भी स्थापित किया गया है, जो कि चोल वंश काल से प्रेरित है। इसे आज़ादी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत एक राजदंड था, तो इसी ही सेनगोल को आगे स्थापित किया जा रहा है। समारोह में कई धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपनी अपनी विधि अनुसार पूजा अर्चना की। नया संसद भवन रफी मार्ग पर स्थित है, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पार करता है, और यह पुराने संसद भवन, पीएम हाउस व कार्यालय, इंडिया गेट, विजय चौक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उपराष्ट्रपति भवन, सचिवालय भवन, मंत्री स्तरीय भवन आदि चीज़ों से घिरा हुआ है। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता इसका संविधान हॉल है, जो कि भवन के बीचों बीच बनाया गया है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। यहाँ पर संविधान की मूल प्रति रखी जाएगी। साथ ही इस हॉल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाई जाएगी। नई भवन में प्रत्येक बेंच पर एक साथ 2 सदस्य बैठ सकेंगे। प्रत्येक सीट डिजिटल प्रणाली और टच स्क्रीन से सुसज्जित होगी। यह रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम से सुसज्जित होगा। पूरे भवन में 100% UPS पावर बैकअप की व्यवस्था भी होगी। आधुनिक ऑडियो विजुअल की सुविधा भी बनाई गई है। सभी सांसदों के लिए अलग अलग दफ्तर होंगे, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं, ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। इस इमारत में सांसदों के लिए कैफे, लाउंज, डाइनिंग एरिया, मीटिंग के लिए कई कमरे, अफसरों और बाकी कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस भी बनाए गए हैं।
संसद में लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। यदि नए संसद भवन के निर्माण यात्रा की बात करें तो सितंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पुनर्विकास के मास्टर प्लान की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। 20 मई 2023 को इसका निर्माण कंप्लीट हो गया व 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यदि बात करें पुराने संसद भवन की तो इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे। इसका निर्माण सन 1921 से 1927 के बीच हुआ था व इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 फरवरी 1927 को किया गया था। बढ़ते काम के चलते बाद के वर्षों में इसमें 2 मंजिलें और जोड़ी गई। बाद के वर्षों में इसमें नवीनीकरण होते गया, जैसे कि एयर कंडीशनर, डिजिटल स्क्रीन, डिजिटल वोटिंग प्रणाली को भी जोड़ा गया। संसद संग्रहालय सन 2006 में खोला गया। इस भवन की परिधि गोलाकार है, जिसके चारों ओर 144 स्तंभ है व इसकी रेलिंग बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। यह भवन चारों ओर से खूबसूरत उद्यानों से घिरा हुआ है। विश्व की यह पहली ऐसी संसद है जिसने अपना कार्य रिकॉर्ड 2 वर्ष में पूरा किया है। अतः वीडियो के अंत में हम कह सकते हैं कि नया संसद भवन केवल मॉडर्न हाईटेक बिल्डिंग ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां भारत के भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।